खबर है कि भारतीय शहरी ने अपने पसंदीदा खाने के नाम का टैटू हाथ पर बनवा लिया। वाह 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 वाह, अराइयां तो बच्चा ही लग गया मैंने। हाँ ना, लोग अपनी मोहब्बत का नाम लिखते हैं, किसी चीज से उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो, कोई मेमोरी हो, उसका टैटू बनवाते हैं, और इस मौसूफ ने तो खाने का ही नाम लिखवा लिया। रंगीला साहब के भाई ने भी इजहार किया है। क्या इतने उन्होंने डौले के उत्ते प्याज बनवाया, इधर टमाटर मथे के उत्ते वड्डा गोभी का फुल बनवाया। कुछ भाई नहीं है, जिस तरह महंगाई चल रही है ना, हमें सब्जियों के टैटूज भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह ही। अच्छा, आपको टैटूज पसंद है वैसे? No, I don't like getting tattoos. टेम्प्रेरी भी आ गए हैं, आप अगर चाहे तो करवा लें। हाँ, टेम्प्रेरी भी होते हैं टैटूज। वैसे मुझे टैटूज बहुत पसंद है, मैं भी यहाँ पे सुपरमैन और एक ना यहाँ पे जाली से बनवाऊंगा। कैफी ने गर्दन के उत्ते छोटा जा सांप बनवाया, तुर के कान च वड़ गए। अच्छा, दुनिया में लोग बहुत वियर्ड टैटूज भी बनवाते हैं। तालू पे बनवा लिया, सर पे बॉल्ड, गंजे सर के ऊपर टैटूज बनवा लिया। और एक शख्स है लकी डायमंड रिच, सर से लेकर पैरों तक वो टैटूज से कवर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी है। अच्छा, कई लोग मोहब्बत के लिए भी लिखवाते हैं ना नाम, जब मोहब्बत फ्लॉप हो जाती है या वो चली जाती है तो फिर जो टैटू मिटवाना पड़ता है ना, वो सबसे पेनफुल प्रोसेस है। वैसे वीना जी, वाक्य है क्या ये? जो ये भारत का वाक्य है, और राजमा चावल लोगों की बड़ी फेवरेट डिश होती है। जी जी। तो ये जो मौसूफ है, इनको भी राजमा चावल बहुत ज्यादा पसंद थे, तो इन्होंने अपने हाथ पर राजमा चावल का टैटू ही बनवा लिया। वालेकुम सलाम। मैं फ्री सर्विस दे रही, तुसी अगर टैटू बनवाओगे तो मैं तुम फ्री बना दे। तो राजमा चावल का टैटू भी आपने फ्री में बनवाया इनका? जी जी नहीं, मैं इन्हें को पेमेंट ले रहे, क्योंकि पहले कस्टमर मेरे वो सन पिछड़े बैठे ने। अच्छा, क्योंकि अच्छा काम करोगे तो फिर मुंह बोल दे, क्लाइंट्स आएंगे। ख्वाहिश सी उत्तर प्रदेश पुत्र प्रदेश पिछे बैठे मुन्ने मुन्ने ने मेरी पब्लिसिटी की थी। मुझे बहुत शौक है टैटूज बनवाने का। मैंने कहा जब मैं 13 का होऊंगा तब मैं टैटू बनवाऊंगा। अब टैटू बना, ये टैटू आप यहीं पे बैठे बैठे बना रहे हैं? जी मैं बना देना, मैं तो देर लांदे नहीं, ऐ मेनू माशाल्लाह मिल गया ना काम। अच्छा, एक साल बाद तू ही देख रहे सारा टैटू टैटू ही होएगा। मैंने ये आमलेट बनवाया, देखें। हाय हाय, ये अपने मुंह ते भी कुछ बनवा, टैटू ही बनाया। अच्छा, आप कौन है? मैं इन्हों का पिता जी। हाँ, ये मेरे पिता, इनको देख के मेरी चिता जल रही है। इस बच्चे ने इन्हों खराब किया। तो पिता तो मुझे बड़ा ट्रेडिशनल लग रहा है, आपने टैटूज बनवाने की परमिशन दे दी थी? इन्होंने परमिशन नहीं, मेरे से चोरी किया इन्होंने सारा कुछ। इन्होंने खुद भी यहाँ पे बनवाया, देखा नहीं मिठा लग रहा है। ए तो अड़े पिता दे। हाँ जी, मेरे पिता जी। देखो बंबई च जमया तेरे कभी समंदर नहीं वेख्या, क्यों हालात ही अच्छे नहीं हुए? मसर चौल बना सकते हो? मैं कहना मेरे वालों आलू गोश बनवा लो। मसर चौल बनाओ, मैंने भूख लगी। भूख लगती, रोटी नहीं खाता, बाबा चट चुट के सो जाता। आप वैसे काम क्या करते पिता साहब? मैं जी मछलियों का गोश्त जो पीस करके मैं मछलियां पाना। ये कौन सा बिजनेस है? अगर वो सही गल कर ले तो फिर तंदुरुस्त ना समझ लग पी। मुझे ना सबसे ज्यादा समझदार आप ही लग रहे हैं। ये आपकी नजर की खूबसूरती है। उनका पत्थर का ढेला है। इंडिया दी फिल्मां जे हो जा बाबा आउंदा पहाड़ चढ़ रहे हैं, लाल टैन फड़ी हीरो नूं वेख के बेटा मुसाफिर लगते हो, घर चलो रात गुजार के चले जाना। अच्छा, तो ये जो टैटू बनाने वाले साहब है, जरा बताइए कब से शुरू किया आपने? मैं एक्चुअली बचपन तो इन्हें मेरे शौक सी। तो अपनी बॉडी पे भी टैटूज हैं आपके? नहीं, खुद भी अच्छे नहीं लगते, अपनी बॉडी बनाना अच्छा नहीं लगता, मैं लोगों की बॉडी बनाना चाहना। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ना इन्होंने जो पिता ने, मैं चाह रहा मैं उन्होंने टैटू बना, लेकिन कोई रंग उन्होंने चाड़ ही नहीं रहा। अच्छा जी, मैं आपका बताता हूँ हमारा कारोबार क्या है। बेसिक मेरे अबू गाने बजाने का काम करते हैं। हाँ, साडा जड़ा ना पिछो गाने बजाने दे काम। जाहिर है आप मुकेश अंबानी कहीं से भी नहीं लग रहे। भाई जो भी है, लेकिन अंकल के हाथों में जादू है। एक बंदे दे डौले ते ने जिन बनाया, सुता पे डर गया, उन्हें इन्हू कुटे आन। जड़ा टैटू नहीं बनाउंदा, इहदे को एक गाहक आया कहिंदा मेरे हाथ ते घड़ी बना दे, मशीन इहदी खराब हो गई, दंदी वड के कहिंदा चल बन गई घड़ी। अच्छे पीछे जो भाई बैठे, ये भी टैटू बनवाना चाहते हैं? ये भी तो म्यूजिशियन है, ये तो इनके साथ आए हैं। बल्कि टैरू 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 आई लव माय टैरू, आई लव माय टैरू, टैरू 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 ओ टैरू 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 ऑन नेक, टैरू ऑन बाजू, टैरू सेकंड बाजू। तो आप लोग म्यूजिशियंस भी हैं। अच्छा, टैटूज बनवाने का पूरा प्रोसीजर होता है, बड़ा क्लिनिक होता है, बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाइजीन का बड़ा ख्याल। आप एक पेन लेके घूम रहे हैं टैटू बनाने के लिए? देखो ये आरजी तौर पे मेरे आज ने जो मेरे क्लिनिक पे तशरीफ लाओगे ना, तो मैं तुम्हें सारी चीजों का तारीफ करावांगा।
अच्छा वैसे तो पूरी दुनिया में ही खैर अब है शॉप्स खुली हुई हैं, आप टैटूज बनवा सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहली शॉप थी वो थी न्यूयॉर्क में बनी थी। अच्छा। और इटालियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा टैटूज बनवाती है, 48% लोग वहां पर टैटूज बनवाते हैं। वीना वैसे टैटू आया कितों पहली बारी? टैटू आया तो सैमुअन वर्ड है तताओ, वहां से आया है। तताओ का मतलब है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना जिससे टैटू बनाया जाता है, उसकी जो टैपिंग साउंड होती है ना उसको तताओ कहा जाता है। दिस इज एक्चुअली इट केम फ्रॉम। अच्छा, टैटू है तो बहुत फैसिनेटिंग, मगर रोमन्स इसको पनिशमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। अच्छा, सजा देने के लिए। अगर तुसी कहो तो मैं तुम्हारे मुंह से फ्री चपेट बना सकता। इतना तो मैं तुम्हारे मुंह से फ्री कपड़ा पा सकता। ये आप इतना नाराज हो रहे हैं, टैटू सिर्फ जवान थोड़ी, बड़े बूढ़े भी बनवाते हैं। अंकल, टैटू को बुरा नहीं कहते, टैटू आपको एक मजे की फीलिंग देता है, टैटू आपको दुनिया में जीना सिखाता है, टैटू आपको आगे बढ़ना सिखाता है, टैटू आपको अट्रैक्टिव बनाता है, लोग चुंबक की तरह खिंचे आते हैं। Actually, it's a research and it says कि जिन लड़कों के ज़्यादा tattoos बने होते हैं, वो ज़्यादा attractive होते हैं। Yes. आप इसको और tattoos बनवाने देंगे बॉडी पे? और कितने बनवाने? सोहून सिर्फ नाक रह गया है, ये वाली गल रह गई। रूबी जी, दुनिया में लोग बड़ी अजीब अजीब जगह पे tattoos बनवाते हैं, आईबॉल्स के अंदर भी लोग tattoos बनवा रहे हैं। अब और बात ना कीजिएगा, नहीं तो मेरे बाबा ने मुझे जायदाद से आग कर देना है। ओए, टैटू बनवाई जाना, किराए दे घर च रहने, अपना मकान बनवा। बड़ी केयर करनी पड़ती है इनकी। हाँ, आप इनको संभाल के रखें, मरने के बाद आप इनको डोनेट भी कर सकते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया में जिन लोग के पास बहुत ज्यादा स्किन के ऊपर टैटूज हैं, वो डोनेट भी कर सकते हैं, वहाँ पड़े रहेंगे, लोग आके देखा करेंगे उनके मरने के। अगर रंगीला साहब नु नींद नहीं सी आउंदी, फिर इन्होंने टैटू बनवाया, बंदा जमाई ले रहा उन्हें वेखदा तो सौ जाता। अजर रंगीला साहब, आप गिलानी साहब, आप भी हामद रंगीला हैं। अपना तमाम इलाकों चो प्रसाद मंगने वाले हैं, चिर माफ कर दे, अनाथ आश्रम चो वजीफा लैन वाले हैं। अब मैं आपको सही बात बताता हूँ, मुझे टैटुओं का शौक कहाँ से पड़ा। हाँ। मैंने बचपन में गुर्बत बहुत देखी है। बेचारा कली गुर्बत देख लेता तो ठीक से, नाल प्यो भी देखता रहे। भाई, गुर्बत इतनी देखी आपने, तो टैटूज बनवाने के पैसे कहाँ से लेते हैं आप? आपको पता है बाल 5,000 रुपए किलो बिकते हैं, मैंने अबू का एक नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से इस बच्चे ने बचपन से इतनी भूख देखी है कि उसने राजमा चावल बनवा लिया है। हाँ। जैसे इंडिया के कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु, उसने भी यहाँ पर टैटू बनवाया ना कि दाल मखनी। हाँ। लिखवाया बस उसने वहां। Exactly. कि मैं जाया करूंगा। हाँ। रेस्टोरेंट में ऐसे दिखाया करूंगा और साथ में दो रोटियां दे दो, रोटियां दे दो। और अपने डोले के ऊपर गरम गरम तेल पा रहे हैं, मैं क्या कहना, दाल नू तड़का ला रहे हैं। मैं तेनू माफ नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। डैडी कर दो, पिता कर दो, कैनक होर भी लाया तेनू मैं नहीं छड़ना। चल बच्चे माफ कर दे, खलाकी तौर ते ठाकरे को चपेड़ा खाने वाले। मेरे दोस्त के पिता मुंह से बुरे हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। जब मुंह बुरा हो तो दिल के थोछा हो सकता है। ऐ दा अब्बा किन्ना बड़ा सौदा लाया के ना परचून वाले को, ते हाथ ते टैटू बनाया ते हाथ वहा देंदा उधार। तू मेरे बच्चे को खराब किया, इन्हें मेरे बच्चे को खराब किया। अगर तुझको तो तेरी में दो जुल्फा बनाना है कंपनी मशीन वास्ते, यह जी तस्वीर घर लगी हुई है, गुजरात दंगों में मारा गया। हेलो एवरीबॉडी, अगर आपने टीवी के ऊपर हमारा शो मस्तियाँ मिस कर दिया है तो यू स्टिल हैव अ चांस। आप जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन का बटन, ताकि जो लेटेस्ट एपिसोड्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। सो गो देयर एंड एंजॉय मस्तियाँ।